वकील सफाई के दलाल सुनने और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के सबूत देखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिमा यास्मीन निकाह पर निकाह की मुर्तकिब हुई है, लिहाजा दोनों मुलजिमान यास्मीन और नदीम की जमानत मंसूख की जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनाब मोहम्मद अजीम ने निकाह पर निकाह करने के इल्ज़ाम में यास्मीन और नदीम की अबूरी जमानत मुस्तरद कर दी थी और पुलिस दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार करके थाने ले आई थी। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलजिमा यास्मीन के वालिद सलीम अहमद ने कुछ अर्से कबल फरवरी 2012 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी को अगवा कर लिया गया है। लड़की का नाम क्या है? सर यास्मीन। उम्र कितनी होगी? सर यही कोई 20-21 साल। घर से कब से गायब है? सर 12 फरवरी की रात को अचानक गायब होगी। ये भी तो हो सकता है कि वो अपनी मर्जी से गई हो। नहीं सर, वो खुद नहीं जा सकती। घर से कोई सामान वगैरह गायब है? जी हाँ सर, है कुछ जेवरात और कुछ नकदी गायब है सर। किसी पर कोई शक? सर वो हमारे मोहल्ले में एक लड़का रहता है, आवारा बदमाश नदीम। जब मैं अपनी बेटी की सहेली से पूछने गया तो उसने बताया कि मेरी बेटी और वो आपस में दोस्त थे और इकट्ठे घूमते फिरते थे। आप उसी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहते हैं? जी हाँ सर, और मुझे पूरा यकीन है कि उसी ने मेरी बेटी को वरगलाया। सर सीधा साधा केस है, वो नदीम के साथ ही चली गई है। सलीम साहब, जब जागने का वक्त था तो आप सोते रहे, अब ख्वाब टूटे तो बिस्तर से नीचे। खैर देखें, आप मुझे मुकम्मल तफसील से आगाह करें कि सब कुछ कैसे हुआ। सर 12 फरवरी की रात हस्बे मामूल सब ठीक था, लेकिन सुबह अरे भाई जल्दी नाश्ता लाओ, मुझे देर हो रही है और आज ऑफिस भी जल्दी जाना है। आ रही हूँ बाबा। अब वैसे भी जल्दी जाना होता है ना, तो जल्दी उठा करें आप। हाँ भाई, रात को सोने में देर हो ही जाती है, और ये लड़कियों को जरा जल्दी जगाया करो, इतनी देर तक सोना कोई अच्छी आदत नहीं है। मुझे भी पता है। आलिया, यास्मीन, अरे उठ जाओ भाई, टाइम तो देखो क्या हो रहा है। अरे मुझे खुद ही जाना पड़ेगा इनको। ये देखो जरा कितनी देर से आवाजें लगा रही हूँ। क्या है अम्मा? देखे ना अब्बा, अम्मा सोने भी नहीं देती। बेटा देखो ये टाइम क्या हुआ है। अरे इन फालतू बातों को छोड़ो, अपनी बहन को उठाओ जाके, मैं नाश्ता लगवाती हूँ। पर आप ही तो कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं है तो फिर कहाँ है? अरे वॉशरूम वगैरह में होगी, आ जाएगी। बाथरूम में तो ये था। अरे मैं देख कर आती हूँ। यास्मीन, लड़की हाथ मुंह धो, ये यास्मीन जाओ, शाबाश बैठो तुम। यास्मीन देखो बेटा, इस दफा अगर तुम्हारी पोजीशन सही नहीं आई ना, तो देखना मेरे में तेरे साथ क्या करता हूँ। कहाँ चली गई है यास्मीन? यास्मीन, यास्मीन ये अलमारी क्यों खुली हुई है? ये सब क्या हो गया? सेवर, सब चीजें। सलीम, सलीम जल्दी आए। क्या हुआ भाई, खैरियत तो है ना? सलीम जल्दी आए। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? ये देखें, ज्वेलरी बॉक्स खाली पड़ा हुआ है और दराज में पैसे भी नहीं है और यास्मीन के कपड़े भी गायब हैं। और ये सब क्या है? ये सब क्या हुआ? पता नहीं, मैंने तो खुद अभी देखा है आपके सामने। ठहरो ठहरो, मैं पता करता हूँ, एक मिनट। या अल्लाह सब खैर ही हो।
उसका तो फोन भी बंद जा रहा है। तो ये लड़की कहाँ चली गई है सुबह सुबह ये जेवर और पैसा लेकर? अरे तुम तो चुप करो, ये सब तुम्हारा किया हुआ है। कितनी दफा तुम्हें कहा है कि बच्चों का ख्याल रखा करो, जमाना बहुत खराब है और तुम हो कि किसी चीज की परवाह नहीं है। और वो तुम्हारा भाई, उसको हजार दफा कह गया हूँ कि रुख्सत करके ले जाओ इसे, लेकिन नहीं। भाई साहब पहले मकान बनाएंगे, फिर बेटी की शादी करेंगे, फिर रुख्सती लेंगे। ले अब रुख्सती ले ना फिर। अरे आप छोड़े ना इन सब बातों को, आप जल्दी से आके वो कोमल के घर देख कर आए, शायद उसी के घर पर होगी। ठीक है ठीक है, तुम घर का ख्याल रखना, मैं अभी पता करके आता हूँ। आप जल्दी से जाए, बेटा तुम भी जाओ। अरे अरे अल्लाह, कहाँ चली गई लड़की? अच्छी तरह से देखना बराबर में। क्या हुआ अम्मी, सब खैरियत तो है ना? बेटा यास्मीन नहीं है घर पर, तुम जाओ तेरा पड़ोस में देख कर आओ, जल्दी से जाओ। शाबाश। अच्छा ना, जा रही हूँ। अरे जल्दी जाओ ना, ये मुझे दे दो, जल्दी जाओ। अरे